जी, तो पहले आपको अपना किचन गार्डन जो है वो विज़िट करवाते हैं। ये अनाया अभी किचन गार्डन में ये बेर खा रही है और इसने बेर तोड़े हैं यहाँ से, और ये अभी हैं कच्चे। ये किचन गार्डन जो है इसकी प्रमोशन इसलिए कर रहा हूँ कि ये हर घर में होना ज़रूरी है। इन्हें चलो बेटा। ये जी, ये हम अभी इसमें निकाल लेते हैं, ये सलाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये चिकंदर है, चिकंदर लेकिन अभी पूरा तैयार नहीं है, ये छोटे हैं लेकिन फिर भी ये तैयार हो चुका है। एक चिकंदर ये देखें, ये तैयार है फुल, ये अभी जूस वगैरह में इस्तेमाल हो सकता है। और अभी इसको मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, इसको बाद में वॉश करते हैं। हर पौधे से 2 से 3 पत्ते हम प्याज के जो है उतार लेंगे। अनाया क्यों तंग करी जाने बाबा नु? हाँ पहले इमाई का। देखा। और किचन गार्डन की सबसे बड़ी खासियत कि आपको हर चीज़ जो है ये फ्रेश मिल जाती है। ये देखें, ये हमने लहसुन जो है ये भी काट लिया और ये रख लेते हैं इसमें। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह मेथी हमने काट ली है, और अभी ये सब्जियाँ धो के, तो कुकिंग चैनल नहीं है ये, इस वजह से मैं कुकिंग तो हर व्लॉग में नहीं दिखा सकता। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला व्लॉग जाबिद के साथ। मैं अभी नाश्ते की तैयारी कर रहा था, देसी माहौल में नाश्ता करना चाह रहे थे, तो अभी छोटे भाई की कॉल आई, वो इस्लामाबाद गए हुए थे कुछ दिन के लिए, वापस आ चुके हैं, तो अभी मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ कि वो आ जाएं और साथ नाश्ता करेंगे। अशफाक भाई पहुँचने वाले हैं अभी घर पे। वीडियो में साथ रहिएगा, आपको इंशाल्लाह आज पाकिस्तानी देसी नाश्ता जो है, और गाँव में हम नाश्ता किस तरह का करते हैं। और ये माशाल्लाह से हमारे जैन बाबा फुल एक्साइटेड हैं बाबा के आने की खुशी में। अब्दुल्ला कौन आए? हाँ, और जूता उतार दिया जैन ने, ये जैन बाबा को लेने जा रहे हैं। छाम करो, छाम करो, सीधे हाथ ना, पूरा सामान चुको, ठहर जा मैं चौक दिना पासे 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 जैनू ओए जैन गिज्जा ना गिज्जा ना, चलो ये जी माशाल्लाह अभी मक्खन रख लिया और रोटी तैयार हो जाती है। चले फड़ पीछे बह जाते जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाश्ता तैयार है, आ चुका है, और अभी हम नाश्ता करते हैं। ये साग है, ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह साग माशाल्लाह। और ये उस दिन इसकी कुकिंग नहीं दिखा सका मैं, क्योंकि ये कुकिंग चैनल है नहीं। और माशाल्लाह से ये अभी मक्खन लगाते हैं इस पर। ये माशाल्लाह से ये अभी हम मक्खन जो है इसके साथ रोटी को ऐसे चोपड़ लेंगे, और चुपड़ी हुई रोटी साग के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा करती है माशाल्लाह। और साथ साथ हम रोटी पे इस तरह मक्खन लगा के खाते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, चलो शौक शुरू करो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और उसके साथ ये लस्सी, ये जी लस्सी है। ये जी एक और पराठा आ चुका है हमारे लिए, कोई नहीं कोई नहीं। ये उसके ऊपर मक्खन लगा के ला के दिया माशाल्लाह से, ये देखिए। और अभी मैं इस साग को थोड़ा सा साइड पे रखूँगा ताकि मैं नाश्ता कर सकूँ। माशाल्लाह से अशफाक भाई जो है ये सीज़न का पहला साग खा रहे हैं,
ये उस दिन हम रख रहे थे जब गए थे, तो उस दिन लेके आए थे हम साथ, ये उस दिन वाला ही है। अब्दुल्ला आ जाओ नाश्ता कर लो। माशाल्लाह ये पहले ये देखिए बहुत ही कमाल का। और गांव में हमारा ये देसी नाश्ता है और ये हर जगह पे अवेलेबल होता है गांव में, लेकिन मक्खन जो है ये अभी हर घर में नहीं होता और सर्दियों की ये सौगात है साग और गांव की।
अब्दुल्ला मटका दूध कितना लगा? सही सही शाबाश। गरम पीना आज भी देखो तुम मान के दिया। ओ हो हो और पीना हां जाओ ले लो। लस्सी नहीं लस्सी पीनी है। और ये करो अपना ग्लास दो। और ये करो मटका दो मटका दो। ये अब्दुल्ला मटके में अभी लस्सी पीना चाह रहा है, कहता है मुझे मटके में लस्सी डाल के दो। शाबाश पी लो मटके जी पी लो। हाँ आज के टाइम में गांव में ये चीज़ें मिल जाना अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मैंने कर लिया। और अभी अशफाक भाई जो है ये रेस्ट करेंगे क्योंकि इन्होंने सफ़र किया है काफ़ी लंबा, धुंध की वजह से काफ़ी लेट पहुंचे घर। अभी मैं बाज़ार जाऊंगा और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।